जय जय राधा कृष्ण जुगाला मिलाना आरती करैलनि तभी सखी गण मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदर पीतांबर शिखी पुच्छ चूड़ा मनोहर ललित माधव बामे वृषभनु कन्या सुनीला वसना गौरी रूपे गुणे धन्या नानाविध अलंकार करे झलमल हरिमन विमोहन बदन उजल विशाखादि सखी गण नाना रागे गाय प्रिय नर्म सखी जत चमर ढूलाय श्री राधा माधव पद सरसिज आसे भक्ति विनोद सखी पदे सुखे भासे जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करए लड़ी तदि सखी गण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे शिल जय देवर प्राण धन हे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे शिल सनातनर प्राण धन हे जय गौरनिता जय गौरनिता
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की, श्रील सनातन गोस्वामोपाद की, पतित पावन श्रील गौर निताय की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, श्रील गुरु महाराज की, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्रणितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरि, यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणि परमानंदमाधवं। ओं नमो भगवते चैतन्यचंद्राय, ओं नमो भगवते चैतन्यचंद्राय, ओं नमो भगवते चैतन्यचंद्राय। हरे कृष्ण। सभी भक्तों के चरण कमलों में मैं दंडवत प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ। विशेष करके मैं अपने आराध्यतम शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर गोविंद स्वामी महाराज, दीक्षा गुरु श्री श्रीमद राधा गोविंद दास स्वामी महाराज, तो हम सभी के आदरणीय अत्यंत कृपालु दयालु श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में कृपा भिक्षा मांगते हुए इस संबंध के आचार्य तथा संबंध के बारे में कुछ कहने का एहसास कर पा रहा हूँ। निश्चित रूप से वे हमको दया करेंगे और उनके कृपा कटाक्ष के द्वारा हमको भक्ति रूपी वृष्टि से अभिसिंचित करेंगे। हरे कृष्ण। तो हम लगभग 4 दिवस से संबंध के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आज संबंध के बारे में इसका पांचवें दिवस की चर्चा होगी। तो जैसे कि कृष्णराज कविराज गोस्वामी आदिलीला के प्रथम परिच्छेद के 15 नंबर श्लोक में वर्णना करते हैं। जयताम सुरतो पंगो मम मंद मतिर गति, मत्सर्वस्व पादाम्बुजम राधा मदन मोहनो। तो राधा मदन मोहन के चरणों में समर्पित हो रहे हैं और मानव संबंध की जो आचार्य संबंध के बारे में हम सभी भक्तों को अवगाहन कर रहे हैं। तो हम सनातन गोस्वामी की जो चरित्र के बारे में अधूरा चर्चा किए हैं, आज उसको कंप्लीट करेंगे तथा संबंध के तत्वों के बारे में भी अवगत होंगे। तो सनातन गोस्वामी ऐसे एक अत्यंत दयनीय अवस्था में दीनता को आधार करते हुए ब्रज में भ्रमण कर रहे थे। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि रहते थे और मदन मोहन तो प्रकट हो ही गए। तो वहाँ पे मंदिर भी हो गया कालांतर में। तो एक दिन ऐसा देखा गया कि एक दिन सनातन गोस्वामी पावन सरोवर गए थे। तो पावन सरोवर में, क्योंकि एकांत स्थान था, बाद में शायद ऐसा वर्णना तो है नहीं, लेकिन सनातन गोस्वामी शायद किसी शिष्य के द्वारा मदन मोहन की सेवा कराए, क्योंकि वे विग्रह सेवा से ज़्यादा महत्व, विग्रह की स्थापना के बाद ज़्यादा हरिनाम की जप और वैराग्यपूर्ण जीवन में अतिवाहित करने को वो ज़्यादा महत्व दिए। प्राय 6 गोस्वामी लोग थे, तो इसलिए वो
कहाँ कहाँ पे रुकते थे, ऐसा नहीं कि मंदिर में राजभोग लग गया तो ये बैठ कर के खाने लगे, ऐसा नहीं। वो अपना दिनचर्या वैसे ही माधुकरी करके ही प्रसाद पाते थे और रोटी चना बस कुछ ग्रहण कर लेना, ऐसा कहाँ कहाँ पे बनना है कि वो रोटी महीने के ले आते थे और यमुना के मिट्टी में उसको गाड़ देते थे और फिर से निकाल करके उसको धो करके और थोड़ा भीजा भिगा करके खाते थे। इतने दयनीय थे। और एक दिन पावन सरोवर में उस समय तो कुछ था ही नहीं, एकांत निवास था, वन उपवन थी, तो ऐसे प्रेम से परिपूर्ण होकर के सनातन गोस्वामी संबंध के आचार्य 6 दिन तक अनाहार में रहे, 6 दिन कुछ ना खाए ना कुछ पिए। तो ऐसा देखते हुए स्वयं भगवान भक्त वत्सल भगवान को कैसे सहन हो सकता है, तो भगवान का मानस सिंहासन भी डगमगाने लगा। तो सनातन गोस्वामी की कृपा करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं एक गोपालक के रूप में आए और दूध का हंडी लेकर के आए और उनको दूध प्रदान किए। तो अभी तो छद्मवेश में आए थे लेकिन हैं तो स्वयं श्याम सुंदर भगवान, मदन मोहन भगवान ही थे। तो ब्रजवासी वहाँ पे तो कोई थे नहीं, एकांत में सनातन गोस्वामी भजन कर रहे थे, तो वे गोपालक बड़ा अमृतमय जो दुग्ध का जो हंडी है, मिट्टी का हंडी प्रदान की और सनातन गोस्वामी भी उसको प्रेम से ग्रहण किए, तब ग्रहण करते ही बालक अदृश्य हो गए। और वो दुग्ध को जो पान किए इतना उसमें अमृतमय आस्वादन था, कहना ही क्या है, मानो आनंद के सिंधु में समुद्र में नृत्य कर रहे हैं सनातन गोस्वामी। तो इसको तुरंत जान ले कि कोई और नहीं, साक्षात भगवान ही थे। तो कुछ बाद में कुछ ब्रजवासियों ने सुना कि ऐसा सनातन गोस्वामी निराहार में रहते हैं, व्याकुल अवस्था में भगवान का कीर्तन भजन करते रहते हैं, हरिनाम करते रहते हैं। हे राधे ब्रजदेवी के ललिते नंद सुन कृतः, गोवर्धन पाद कल्पतिरे कालिंदीवन कृतः, घोषांता बीत सर्वत्र व्रजपुरे खिदे महावीहोल, वंदे रूप सनातन रघुजुगो सुजीव गोपाल को। अत्यंत विहल अवस्था में कीर्तन करते थे, नृत्य करते थे, क्रंदन करते थे। तो इस भाव को देखते हुए कुछ ब्रजवासियों ने विचार किया सनातन गोस्वामी के लिए एक कुटिया का निर्माण कर देंगे। तो वे सनातन गोस्वामी लेकिन बाद में बड़ा अधीर हुए, क्यों भगवान कृष्ण मेरे लिए कष्ट किए, उनको मैं भगवान की सेवा करना चाहिए था, मुझे भगवान की सेवा करना उचित है, वे मेरी सेवा करें, मेरे लिए दूध लेकर के आइए ठीक नहीं है, इसलिए मैं इतना भी निराहारी नहीं रहूँगा जिसके द्वारा भगवान कृष्ण को कष्ट हो जाए। तो यत्किंचित आहार ग्रहण करेंगे और कुटिया में रहेंगे। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार के दैन्य भाव से ब्रजवासियों के द्वारा जो निर्मित कुटिया में रहने लगे। और एक दिन बड़ी कई कई लीलाएं हैं। रूप गोस्वामी एक दिन सनातन गोस्वामी के दर्शन करने के लिए आए। रूप गोस्वामी विचार किए, अग्रज हैं, गुरु समतुल्य हैं, यद्यपि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी गुरु मानते थे, माने क्योंकि आगे वो वृंदावन आए थे, लेकिन आयु में बड़े थे और भक्ति के क्षेत्र में भी दैन्यता के हिसाब से रूप गोस्वामी विचार करते थे, मेरे अग्रज जो हैं बड़ी उच्च कोटि के हैं। तो उनका विचार हुआ कि सनातन गोस्वामी की कुछ सेवा करें। तो रूप गोस्वामी ने विचार किए, सनातन गोस्वामी जी को कुछ खीर का प्रसाद खिलाए। तो ब्रज में तो बस सूखी रोटी खाते रहते हैं, तो खीर का प्रसाद कुछ खिलाए। लेकिन प्रश्न उठा, इसी ब्रज में गोविंद अर्न कहाँ से आएगा, दूध कहाँ से आएगा, चावल कहाँ से आएगा, कंद कहाँ से आएगा, मिष्टान्न कहाँ से आएगा। तो संकुचित रूप में विचार कर रहे थे तो अचानक कुटिया के सामने एक छोटी सी लाली बालिका परम सुंदरी, वो अपने रूप गोस्वामी का मनोभाव को जानते हुए वो बालिका मानो दुग्ध घृत और तंडुल कंद मिष्टान्न आदि जो जो भी खीर के लिए आवश्यकता है वो लेकर के आ गई। और वो बालिका बोली कि हे बाबा, मेरी माँ ने ये सब आपके लिए दिया है, तो शीघ्र पाक करके श्री कृष्ण को भोजन कराइए और संकुचित मत होइए, उसके बाद
तुरंत वो अदृश्य हो गई वो बालिका, क्योंकि रूप गोस्वामी का ध्येय था कि सनातन गोस्वामी को खीर का प्रसाद खिलाए, इसलिए कैसे आया क्या आया उसके बारे में ज़्यादा विचार नहीं थे, उद्देश्य का परिपूर्ति के लिए वे तुरंत ही बड़ी सुंदर तरीके से दुग्ध के द्वारा, घृत के द्वारा, तंडुल के द्वारा, कंद के द्वारा, मिष्ठान के द्वारा वो अत्यंत सुंदर खीर बनाए और रूप गोस्वामी दुग्धान प्रस्तुत करके श्री कृष्ण को समर्पण किए और सनातन गोस्वामी को भोजन कराने के लिए ले आए। तो उस खीर का इतना दिव्य सुगंधि था, उसका सुगंध मानो चतुर दिशा में व्याप्त हो रहा था। तो वो खीर का पात्र को लेकर के जब रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी निकट ही आए, सनातन गोस्वामी कुटिया के अंदर भजन कर रहे थे, तो उस सुगंध उनको विचलित कर दिया। ऐसा दिव्य सुगंध कहाँ से आ रहा है? तुरंत कुटिया से सामने आए, देखे रूप गोस्वामी एक मिट्टी के हंडी में पात्र में खीर लेकर के आए, इतना दिव्य सुगंध। तो रूप गोस्वामी बड़ी आनंद से और श्रद्धा से बोले, हे अग्रज भ्राता, मैं आज कई दिनों के लालसा थी आपको थोड़ा खीर का प्रसाद खिलाऊं, तो मैं आज खीर आपके लिए खीर का प्रसाद लाया हूँ। तो सनातन गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, तो तुम अगर खीर की होगे तो निश्चित रूप से मैं ग्रहण करूँगा। तो खीर को जब ग्रहण किए तो उसकी एक दो ग्रास लेने के बाद ही इतना उनका भावस्मृति हो गया, इतना प्रेम उद्गार उत्पन्न हुआ, कहना है कि नृत्य करने लगे, क्रंदन करने लगे, भाव विहोर होने लगे और बोले कि ये खीर तुम कैसे प्रस्तुत की, ये तो कोई चढ़ जगत की खीर नहीं लगता, ये तो दिव्य अप्राकृत चिन्मय जगत का लगता है, तुम कहाँ से इसको प्रस्तुत किए, कहाँ से ये सब सामग्री लाए, तुम तो वैरागी भक्त हो, इतना अच्छा गुणवत्ता खीर तुम कैसे प्रस्तुत कर पाए। तो रूप गोस्वामी बोले, मेरे मन में तो कई दिनों से इच्छा थी आपको खीर खिलाने के लिए, लेकिन व्यवस्था तो थी नहीं, ना किसी को मांग सकता हूँ। अचानक देखा कुटिया के सामने एक बालिका आई है, लाली परम सुंदरी, और वो समस्त खीर की जो पाक की जो भी वस्तु है वो प्रदान कर दी और वो उसके बाद वो चली गई। तो तुरंत कुछ समय के लिए अदृश्य हो गई। मैं तो उसके लिए ध्यान नहीं था क्योंकि मेरा ध्येय था आपके लिए खीर बनाओ। तो सनातन गोस्वामी थोड़ा चिंतन करके देखे कि उसके बाद जोर से रोने लगे, रे रूप तूने क्या किया, जिनकी हम नित्य दासी हैं, जिनकी हम नित्य सेवक हैं, उनको तुम सेवा में लगा दिया, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा किए तुम, और इच्छा करने के कारण जो भी भौतिक मैंने मुझे दूध खिलाने की जो इच्छा की, इसी के द्वारा ही उसी इच्छा को सम्मान करते हुए स्वयं राधा रानी ने यह जो भी दुग्ध है, घृत है, तंडुल है तथा कंद है और मिष्टान है, वो सब लेकर के आए। कितना बड़ा अपराध हो गया, स्वयं राधा रानी को सेवा में तुमने लगा दिया, तो ये बिल्कुल भी ऐसा करना नहीं, ये बिल्कुल तुम्हारे लिए उचित है नहीं, क्योंकि हम राधा रानी के कृष्ण की सेवा करने के लिए आए हैं, ना कि वे हमारी सेवा करें। तो इससे प्रमाण होता है कि सनातन गोस्वामी के स्वयं कृष्ण भी दूध पिलाने के लिए आए और राधा रानी की खीर बनाने के लिए, खीर प्रस्तुतिकरण के लिए सामग्रियाँ दे दी, तो कितने उच्च कोटि के सनातन गोस्वामी भक्त थे इससे प्रमाणित होता है। और एक भी लीला है, सनातन गोस्वामी एक बार गोवर्धन के गोविंद कुंड के निकट श्री रूप और श्री रघुनाथ उस समय के लिए बास कर रहे थे, तो वहाँ पे चाटू पुष्पांजलि नामक एक पुस्तिका रूप गोस्वामी लिख रहे थे। तो जब पुस्तक कंप्लीट हो गया चाटू पुष्पांजलि, तो वो सनातन गोस्वामी को दिखाया कि है अग्रज, मैं ये पुस्तक रचना किया हूँ, इसमें अगर कुछ गलत है तो आप बताइए। तो वहाँ पे सनातन गोस्वामी पढ़े कि रूप गोस्वामी राधा रानी की जो केस राशि है उसको वेणी व्यालांग ना फणा, माने जो बेणी है, राधा रानी की जो बेणी है उसको एक काली नागिन के समतुल्य तुलना की है। तो जब सनातन गोस्वामी इसको पढ़े और विचार किए, ये कैसा उपमा है, राधा रानी का केस राशि और वेणी जो है एक काली नागिन के समतुल्य तुलना किया गया, यद्यपि बोले नहीं,
लेकिन विचार करते करते गोविंद कुंड में मध्यान्ह में जब हो गया स्नान करने के लिए गए, ये विचार में ही थे। तो गोविंद कुंड में जब स्नान किए, उसके स्नान करने के बाद देखे थोड़ी दूर में, देखे कि कुंड के निकट कुछ बालिकाएँ, छोटे छोटे लालियाँ हैं, 11.5-12 साल की जो लाली हैं, बालिका हैं, ब्रजवासी बालिका हैं, अत्यंत सुंदरी, थोड़ा दूर से देख रहे खेल रहे हैं। और उनमें से एक बालिका अत्यंत सुंदरी है, परम सुंदरी है, और लेकिन वो पश्चात भाग से ही उसको देख पा रहे थे। तो इसीलिए जब सनातन गोस्वामी इस दृश्य को देखे तो विचार किए कि ये क्या है। तो पश्चात भाग से देखे उनकी केस के जो पीछे जो जो बेणी था, वो बेणी साक्षात एक नागिन के जैसा लग रहा था। तो विचार के शायद जो प्रमुख बालिका है उसके पीठ के पीछे से कोई एक नागिन वानो, कोई नागिन चढ़ करके चली जाए, जा करके दंशन कर सकती। तुरंत ही वे दौड़ते हुए उन बालिकाओं के पास गए सावधान कराने के लिए, सर्प तुम्हारे पीछे है। और सावधान कराने के लिए उन बालिका के निकट गए, दौड़ के गए। और जब निकट में गए तो वो बालिकाएं निकट में देखे तो ये कोई साधारण साक्षात राधारणी थी और सभी गोपियां थी, और तुरंत वे अदृश्य हो गए। तुरंत पश्चाताप हुआ कि ये तो कोई साधारण बालिका नहीं थी, ना ये कोई जड़ जागतिक जो नाग थी, नागिन थी। राधारणी का जो केस इतना चिकना काला, बेणी जो है सुंदर है, तो दूर से जो जब हिलता है जैसे एक नागिन, काली नागिन हिलते दुलते जब जाता है वैसे ही मानो लगता है। इस प्रकार से राधारानी परम, उनकी जो पराकाष्ठा है, सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आदि कोई साधारण थे नहीं, तो अत्यंत उच्च कोटि के भक्त थे, इससे प्रमाणित होता है। तो अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। और स्पर्शमणि के बारे में भी बनना है, क्योंकि वृंदावन तो चिंतामणि धाम है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। तो सनातन गोस्वामी ऐसे ही ब्रज में भ्रमण कर रहे थे, तो भ्रमण करते करते एक दिन तीर्थाटन में ब्रज के अंदर ही देखे एक स्पर्शमणि को प्राप्त किया। स्पर्शमणि यानी कि जो लोहा को स्पर्श करते वो सोना हो जाता है, इसको स्पर्शमणि कहते हैं। सनातन गोस्वामी विचार के ये क्या काम का है, शायद इसके काम में आए या नहीं, मेरी तो काम में नहीं आएगा, ऐसा विचार करते हुए कचरे के डिब्बे के जैसा मिट्टी के अंदर जहाँ पर कचरा रहता था कोने में वहाँ पर डाल दी, उसको देखे भी नहीं ना स्पर्श का, और कुछ विचार ही थी, और अपने भजन भजन में लग गए। तो इधर दूर देश में एक ब्राह्मण था, धन पाने के उद्देश्य से गरीब था, शिवजी की तपस्या करने लगा। तो शिवजी की जब तपस्या करने लगा, वैष्णव प्रधान जो शिवजी हैं आशुतोष हैं, अल्प में तोष हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब प्रकट हुए बोले कि तुझको धन चाहिए ना, हाँ। तो ब्रज में एक बाबा हैं जिनका नाम है सनातन गोस्वामी, उनके पास स्पर्श मणि है, तो तू उनको बोल कि मैं ऐसा बोला हूँ, तो वे तुमको स्पर्श मणि प्रदान कर देंगे। तो सनातन गोस्वामी के बारे में सुनते हुए वो ब्राह्मण ब्रजमंडल में आए शिवजी के निर्देश के अनुसार, और सनातन गोस्वामी को प्रश्न कि आपके पास स्पर्श मणि है, तो सनातन गोस्वामी बोले कि हाँ, लेकिन तुमको कौन बोला। शिवजी ऐसा ऐसा बोले, मुझे वरदान मांगा धन के लिए। शिव जी बोले तुम सनातन गोस्वामी के पास जाओ, उनके पास स्पर्श मणि। तो सनातन गोस्वामी मैं तो स्नान कर दिया हूँ, मैं तो व्यावहारिक वस्तु को स्पर्श ही नहीं करता हूँ, मिट्टी के अंदर वो कचरा जहाँ पे वहाँ पे स्पर्श मणि पड़ा हुआ है। तो ये विचार किए, इतना बड़ा मूल्यवान वस्तु को ऐसे ही कोई कैसे फेंक सकता है, झूठ बोल रहे हैं क्या। लेकिन फिर ये ब्राह्मण गया और जा करके देखा, बड़ा दैवत्यमान स्पर्श मणि वहाँ पे उपस्थित था, और निकाल करके बड़ी आनंद से प्रणाम करके बोला बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और तुरंत ही लोहा को स्पर्श किया तो तुरंत वो लोहा स्वर्ण में परिवर्तित हो गया। तो तुरंत ही आनंद में परिपूर्ण होते हुए सनातन गोस्वामी के कुटिया से होते हुए आगे चल पड़ा।
रास्ते में वो ब्राह्मण विचार कर रहा है, अच्छा इस सनातन गोस्वामी अगर स्पर्शमणि को कचरा के डिब्बा में रखे थे तो इनके पास और भी बहुत मूल्यवान कोई वस्तु है, इसके कारण तो इतना ब्रह्मांड का इतना मूल्यवान वस्तु स्पर्शमणि से भी इनका कोई प्रयोजन है नहीं, तो इसी के कारण जाता हूँ उनसे, उनके पास और भी कुछ दिव्य वस्तु है तो उनको मांगूंगा। तो सनातन गोस्वामी को जाकर के वो ब्राह्मण बोले कि हे सनातन गोस्वामी, ये अत्यंत मूल्यवान है लेकिन आप इसको मिट्टी में कचरा में फेंक दिए थे, तो इसका अर्थ है कि आपके पास और भी कोई मूल्यवान वस्तु है, और भी कोई मूल्यवान वस्तु है, इसलिए आप इसलिए इसको अनादर किए, तो आप कृपा करके मुझे वो प्रदान करेंगे क्या? तो सनातन गोस्वामी बोले कि हाँ मेरे पास और भी बड़ा मूल्यवान वस्तु है लेकिन एक ही शर्त में मैं उसको तुमको प्रदान कर सकता हूँ, अगर तुम इस स्पर्शमणि को लेकर के यमुना में फेंक दोगे, इस स्पर्शमणि को लेकर के यमुना में अगर फेंक दोगे तब मैं वो मूल्यवान वस्तु को प्रदान करूँगा। तो बोले ठीक है, इससे बड़ा मूल्यवान वस्तु है तो मैं क्यों ना उसको स्वीकार करूँ। तो वे भाग्यवान जो ब्राह्मण थे सनातन गोस्वामी के निर्देश तथा कहने के अनुसार वो स्पर्शमणि को यमुना में फेंक दिए। तब जब फेंक दिए तब आकर के बोले वो मूल्यवान वस्तु मुझे दीजिए। तो भाग्यवान ब्राह्मण अत्यंत सनातन गोस्वामी बोले कि मेरे पास जो अमूल्य रत्न है वो इस स्पर्शमणि नहीं, अभी तो अत्यंत सच्चित आनंद, स्पर्शमणि भी जड़ है लेकिन सच्चित आनंद अखंड आनंद के जो मूर्ति है वो ब्रजकांत ब्रज नीलमणि यानी कि नीलकांतमणि श्री श्याम सुंदर श्री मदन मोहन मेरे पास है, इनको लेना चाहो तो ले। तो अत्यंत आनंदित होकर के जैसे उद्गार करके सनातन गोस्वामी से ब्राह्मण को बोले, तो हरिनाम जो नाम चिंतामणि या नाम तत्व और हरिनाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं, तो वैसे अखंड आनंदमय व्रज नीलकांतमणि कृष्ण के नाम को सनातन गोस्वामी ने उनको प्रदान किया और वे भी उन कृष्ण नीलकांतमणि को प्राप्त करके परम आनंदित हुए और समस्त भौतिक भवबंधन से मुक्त होकर के ब्रज में भजन कार्य में उन नीलकांतमणि के चरण सेवा में वो लग गए। तो सनातन गोस्वामी इससे प्रमाणित होता है, इस प्रकार से संबंध देते हैं, सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में अगर हम भजन करेंगे या उनके अनुगत्य में भजन करने वाले महात्माओं का शरण लेंगे, गुरु तत्व का शरण लेंगे, तो वे भी हमको इस भवबंधन रूपी जो तथाकथित जो भी चिंतामणि हो, जो भी स्वर्ण हो, रौप्य हो या भौतिक अभिलाषा हो, उससे मुक्त करा करके हमको नीलकांतमणि के सहित संबंध स्थापन कराएंगे। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार से निष्किंचन भाव से ब्रजमंडल में निवास कर रहे थे, उनकी निष्किंचनता का बारे में क्या ही कहा जाए। ऐसे होते होते वो गोवर्धन के निकटवर्ती जो चक्र तीर्थ है उसको निर्जन देखते हुए गोवर्धन में रहने लगे और गोवर्धन की ब्रजेंद्र नंदन का अभिन्न स्वरूप है गिरिराज जी का यह विचार करते हुए वो गिरिराज जी की नित्य परिक्रमा करते, ऐसे होते तो बहुत वृद्ध हो गए थे, यद्यपि चलने में व्यवहारिक दृष्टि से असमर्थ थे लेकिन अपने नियम को पालन करने के कारण वे ब्रजमंडल की गोवर्धन की परिक्रमा करते ही थे। तो भगवान कृष्ण को बहुत दया आया और तुरंत ही एक गोप बाल के रूप में प्रकट हुए और सनातन गोस्वामी के निकट उनको व्यंजन करने लगे। व्यंजन करते हुए कहते हैं कि हे बाबा, तुम अत्यंत वृद्ध हो गए हो, इतना परिश्रम क्यों कर रहे हो, गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों कर रहे हो? सनातन गोस्वामी बालक के कथा में मुग्ध हो गए और बोले कि क्या करूँ, मैं तो नियम लिया हूँ अपने मदन मोहन के चरणों में, तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो सनातन गोस्वामी जब ऐसे बोले, ठीक है तुम अगर नियम लिए हो गिरिराज जी का परिक्रमा करना, मैं साक्षात गिरिराज जी को ला करके तुमको दे देता हूँ। तो वो गोप बालक तुरंत दौड़ते हुए गिरिराज जी के ऊपर गए, अत्यंत मनोहर जो बालक है, और गिरिराज जी के ऊपर चढ़ करके जहाँ इतनी बड़ी एक शिला जहाँ पर भगवान का चरण है, लुकुट का चिन्ह है, गाय के खुरा का चिन्ह है, वंशी का चिन्ह है आदि चिन्ह से अलंकृत दिव्य गिरिराज जी का शिला को सनातन गोस्वामी को प्रदान किए, बोले कि इनका तुम
चार बार परिक्रमा कर लेना, तुमको गिरिराज जी परिक्रमा का फल मिल जाएगा। तो शिला का परिक्रमा करने में बहुत कम समय लगेगा और तुरंत ही वो बालक उसके बाद अदृश्य हो गए। सनातन गोस्वामी उन गिरिराज जी को कृष्ण का अभिन्न स्वरूप जो अनेक दिव्य चिन्ह से अलंकृत था, इसको प्राप्त करके बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए और इसी विचार में होते हुए वो वैसे ही उनकी परिक्रमा कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी की जो प्राप्त जो भगवत प्राप्त जो शिला है अभी भी राधा दामोदर मंदिर में उपस्थित है। आप देखेंगे सामने एक चांदी के सिंहासन पर भगवान के चिन्हों से अलंकृत वो दिव्य शिला अभी भी है, शायद सभी भक्त दर्शन किए होंगे। तो ऐसे ही सनातन गोस्वामी गोपेश्वर महादेव का भी नित्य जल चढ़ाते थे, थोड़ा दूर था उनके निवास स्थान से, इसलिए गोपेश्वर महादेव भी विचार किए कि इतने निष्ठा इनका तो भंग करेंगे नहीं, इसलिए एक दिन रास्ते में जो जहाँ पर भी लोही बजा रहे हैं बनखंडी महादेव है, तो वहाँ पे महादेव साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि हे सनातन, मैं गोपेश्वर महादेव ही हूँ और तुम गोपेश्वर महादेव को जल न चढ़ाते हो, यहाँ पे बनखंडी पे जल चढ़ा देना और मैं यहाँ पर शिवलिंग के रूप में उपस्थित रहूँगा, तो तुम्हारे लिए सुविधा हो जाएगी, तुम्हारे लिए निकट रहेगा। तो ऐसे भगवान भक्त वत्सल भगवान सनातन गोस्वामी के प्रेम में अभिभूत होते हुए वो गोपेश्वर महादेव भी बनखंडी महादेव के रूप में प्रकट होंगे। शायद भक्त लोग दर्शन किए होंगे वृंदावन में, जब सीधा जाएंगे आप यहाँ से पूरा सीधा ही चलेंगे, नाक के आगे से सीधा कृष्ण बलराम मंदिर से पूरा चलेंगे, तो वो जब लोही बाजार का टर्न आता है बाएँ तरफ, तो उससे पहले जो बांकी भरी तो इधर आने की जो रास्ता है और जो तीन जगह का रास्ता है, इधर एक रास्ता है बाएं तरफ, इधर एक बिहारी की तरफ रास्ता है, तो वहाँ से बनखंडी महादेव सामने ही है बीचों बीच है और वो गोपेश्वर महादेव से अभिन्न है। सनातन गोस्वामी के लिए ऐसे कई ऐसे अद्भुत लीलाएँ ब्रज में रहते हुए कि वे लगभग 43 वर्ष तक ब्रजमंडल में वास करने लगे और जो आषाढ़ पूर्णिमा होती है उसी दिन उनका शरीर अप्रकट लीला को किया। तो उससे पहले देखा जाता है सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आदि आचार्य के बारे में चैतन्य महाप्रभु बड़े ही प्रसन्न थे, उनके बारे में जिज्ञासा करते ही रहते और उनकी वैराग्य को श्रवण करते हुए चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न होते थे। और जो सनातन गोस्वामी के वैराग्य के बारे में बताया गया है, जैसे चैतन्य चैतावन कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे बताएंगे, अनिकेत दुहे बने जत वृक्ष गणे एको एक वृक्षर तले एक एक रात्रि शयने, एक एक वृक्ष के नीचे एक एक रात्रि रहते थे, इतना वैराग्य थे। विप्र गृहे स्थूल विख्या कहाँ माधुपरी शुष्क रोटी चाना चिवाए भोगो परिहरि, विप्रकुल के जो व्रजवासी थे वहाँ से वो भिक्षा लेते थे और सूखा रोटी और चना खाते थे, करोया मात्र हाते कहाँ छिड़ा बहिर्वास कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, वो समस्त प्रकार का भोग को परित्याग करते हुए एक कंथा को उपिन धारण करते हुए अत्यंत वैराग्य चित्त भाव में ब्रज में रहते थे और कृष्ण कथा कहना कृष्ण नाम कीर्तन करना इतनी उल्लास में यह उनका ही यह जीवन वैसे ही था। और अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारिदंड से, आठों प्रहर समय हो गया, आवाज नहीं आ रहा, हाँ ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्ण हाँ नहीं ठीक, अच्छा हरे कृष्ण अभी ठीक है ठीक।
तैसे उनके बारे में बताया गया है, अष्टप्रहर कृष्ण भजन चारिदंड सयने नाम संकीर्तन प्रेमे सेहा नहे कौन दीने। आठों प्रहर ही भगवान का भजन करते थे, सिर्फ चार दंड ही सहन करते थे, बहुत ही कम संख्या, मैक्सिमम 3 घंटा सोते थे, कभी कभी उतना भी नहीं होता था, और नाम संकीर्तन के प्रेम में हमेशा निमज्जित होते रहते थे, नृत्य करते रहते थे, आनंद में कीर्तन करते रहते थे, भगवत लीलाओं का संदर्शन करते थे, भगवत विरह में व्याकुल होते रहते थे। कभू भक्ति रस शास्त्र करए लिखना चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। और अनेक भक्तिमय रसशास्त्र को वो रचना किए और वे परम आनंदित रहते थे और चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करते थे, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का श्रवण करते थे। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार से जो अत्यंत सुंदर लीला प्रकट की इस धरती पर, संबंध के देव के रूप में जो मदन मोहन है उनकी सेवा का संबंध को हम समस्त भक्तों को वो प्रदान की, और दैन्यता के आचार्य हैं, और जैसे कि बताया गया है कि जीव गोस्वामी में लिखते हैं, वैराग्य युगम भक्तिरसम प्रजत्ने रपायन यन्नाभनमपि सुगंधम कृपामुध्यर्च्य परदुख दुखीं सनातनम तम प्रभु मायास्मी। वे सर्वदा हरे कृष्ण, वे सर्वदा भगवान के भजन करते रहते थे और पर दुख से कातर होते थे, पर दुख में दुखी हो जाते थे, और दया के समुद्र थे, और अनेक जो वांछाओं का पूर्ति करने वाले थे, समस्त ज्ञान को दूर करने वाले थे, और मदन मोहन के सहित संबंध प्रदान करने में ये परम समर्थ श्री सनातन गोस्वामी थे। उसी तरह ऐसे जो संबंध के जो आचार्य हैं उन सनातन गोस्वामी के चरणों में हम सभी भक्त समर्पित होते हैं, जिनके द्वारा वे हमको कृपा करें और संबंध को प्रदान करें। अपने अवतार काल में सनातन गोस्वामी अनेक प्रकार का दिव्य ग्रंथों की वो रचना की है, जैसे कि श्री श्री श्रीमद् बृहत भागवतामृत है, हरि भक्ति विलास है, और दिग्दर्शनी जो अनेक प्रकार का जो ग्रंथों की वे रचना की, और ऐसे लीला विलास करते हुए भगवान के प्रेम में उन्मत्त होते हुए संबंध के जो आचार्य हैं लगभग 43 साल लंबा समय ब्रजमंडल में वास करने लगे, और अपने अवतार काल में लगभग 1480 शकाब्द जो है और 1558 ख्रिस्टाब्द के आषाढ़ पूर्णिमा, जो कि आज के समय ब्रजवासी मंडवा पूर्णिमा कहते हैं, तो उस आषाढ़ पूर्णिमा में वे सनातन गोस्वामी अपनी अप्रकट लीला नित्य वृंदावन में प्रवेश कर गए। तो वैसे सनातन गोस्वामी हम सभी के मन मंदिर में विराजमान करें, चित्त में वो विराजमान करें, और दिव्य संबंध की जो लीला है उसको स्फूर्ति कराए। हमारा जो जन्मों जन्मों से भगवान से संबंध छूटा हुआ है, जैसे कि हम एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किए थे कि एक जो आप याद रखे होंगे, जो शहर में निवास करने वाला, जो एक बड़ा घर में काम करने वाला जो नौकर है, उसके से अगर हमारा संबंध होगा तो निश्चित रूप से उनके अनुकंपा से, उनके कृपा कटाक्ष के द्वारा शायद वे हमको उस उनके मालिक के यहाँ वो हमको एक काम दिला दें। तो वैसे सनातन गोस्वामी या सनातन गोस्वामी के अनुगत्य में आने वाले जितने भी जो उच्च कोटि के आचार्यगण हैं उनके अगर हम शरणापन्न होंगे, निश्चित रूप से वो हमको दिव्य संबंध के सूत्र से हमको जोड़ेंगे, और प्रेममय अनुभूति और जो जड़ संबंध के द्वारा हम एक जो हम इस प्रकार से विचार कर रहे थे कि हम माया के ही संबंध के हैं, और इसी कारण ही जो कि हमारा
अज्ञानता है। सर्वे अज्ञानत निचयाः अतनंत समस्याः संभोगाः विपर्यांताः मरणांतच जीवन। समस्त संबंध झूठा है, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ हो, कितना भी निबिड़ता हो, ये जीवन का ही संबंध है। ये संबंध निश्चितः स्वल्प काल के लिए, क्षण काल के लिए हमको प्राप्त हुआ है। तो इस विचार को, इस बंधन से हम सबको मुक्त होना पड़ेगा। जब तक ये विचार हमारा जाएगा नहीं, तथाकथित भौतिक स्तरों में ही विराजमान करेंगे, तब तक ही यह जीवन बेकार जाएगा। वास्तविक हम सभी जागृत अवस्था में हैं, बोलते हैं, जैसे कि आत्मा की विविध अवस्था के बारे में मुंडक उपनिषदों में वर्णना किया गया है। एक तो है जागृत, एक स्वप्न, और एक सुसुप्ति, और एक तुरीय। तो हम सभी वास्तविक जागृत क्या कहलाते हैं, भौतिक दृष्टिकोण से जागृत हैं, मन जगे हुए हैं, लेकिन वास्तव में हम जगे हुए नहीं हैं, सोए हैं, या सोए भी नहीं हैं, हम बेहोश हैं। होश में रहते हुए भी हम बेहोश हैं। उदाहरण स्वरूप एक उदाहरण प्रस्तुत करें। एक दो वेवड़े थे, वेवड़े समझते ना, जो मद्य पान करने वाले, मदिरा का पान करने वाले दो वेवड़े थे। वो तीसरे मंजिल पर रहते थे और वो बैचलर थे, शादी नहीं हुआ था, बस मौज मस्ती करना, ऑफिस से आने के बाद रात्रि में बस धूर्त होकर के मांस मदिरा का सेवन करना, यहाँ ही उनका जीवन था। तो एक दिन मदिरा पान किए, दो ही मध्यप थे, मदिरा पान की आयु 24-25 साल की अवस्था था, युवक अवस्था थी, कोई तो रोक टोक नहीं था, गर्मी का दिन था और शरीर में कोई वस्त्र नहीं थी, बस एक पैजामा जो नाइट पेंट होते वो पहने रहे थे, पैजामा जो होते हैं तो उसको पहने हुए थे, और कुछ था ही नहीं, शरीर में खुला शरीर था, बड़े आनंद से मध्य पान कर रहे थे। तो कुछ समय के बाद एक दोस्त बोल रहा है मदिरा पान करने के बाद कि दूसरे दोस्त मित्र को बोल रहा है, पता है मैं अभी उड़ सकता हूँ, मेरे में उड़ने की सामर्थ्य आ गई। तो दूसरा मध्यप बोल रहा है, अच्छा तुम उड़ सकते हो ना? हाँ मैं उड़ सकता हूँ, जो उड़ के दिखाओ मुझे। तो तुम अगर उड़ सकते तो मैं भी उड़ सकता हूँ, दूसरा मध्यप बोल रहा है। तो अच्छा हाँ, नहीं नहीं मैं भी उड़ के दिखाओ। नहीं नहीं, पहला मित्र बोल रहा है मैं पहले उड़ के दिखाता हूँ, उसके बाद तुम अपना कला दिखाना, मैं देखो कितना आसमान में ऊपर उड़ता हूँ, आप कंपटीशन लगाएं कौन कितना उड़ सकता है। बोला हाँ हाँ ठीक है, तो उड़ू ना? हाँ उड़ो। तो जो तीसरे मंजिले की जो झरोका था वहाँ से चढ़ गया और बोला देखो मैं अभी उड़ूंगा, देखना तुम अच्छे से कितना मैं उड़ता हूँ, उसके बाद तुम भी उड़ना। बोला हाँ मैं उड़ूंगा। तो वो जो मध्यप था, पूरा जो तीसरे मंजिल के जो झरोका था वहाँ से छलांग लगाया, देखो मैं उड़ रहा हूँ, बोल भी रहा है और जब तक हवा में है तब तक भी चिल्ला के बोले देखो देखो मैं उड़ रहा हूँ देखो। कुछ रास्ते में लोग थे, वो देख रहे क्या कर रहा है, चिल्ला रहा है। तब तो धड़ाक के गिरा नीचे, और गिरा उसका हड्डी फसली सब टूट गया, इतना हल्ला मचा। दूसरा जो व्यक्ति था वो भी कूदने के लिए ही जा रहा था, क्योंकि वो भी उड़ सकता था ऐसा बोल रहा था, लेकिन जब हल्ला मचा तो वो जब उड़ने के लिए माने प्रस्तुत हो रहा था, या वो भी व्यवहारिक दृष्टि से कूदने के लिए प्रस्तुत हो रहा था, लोग बोला अरे बेवड़े क्या कर रहे हो, रुक जा तू भी मरेगा नहीं। तो वो तो कुछ समझ नहीं पाया हल्ला गुल्ला को समझ करके, फिर भी माने कूदने के लिए प्रस्तुत हो रहा था, लेकिन कोई कारणवश वो रह गया, वो वहाँ से कूदा नहीं। तो उसको तुरंत ही मेडिकल ले लिया गया, जो नीचे गिरा था, जो मध्यप है। तब भी वो क्योंकि इतना मदिरा पान कर लिया था, हाथ पैर टूटने के बाद भी उसको पता नहीं चल रहा था और इतना बेहोश हो गया, तो स्वप्न में भी देख रहा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। रात्रि भर मैंने मूर्छित अवस्था में स्वप्न में देख रहा कि मैं उड़ रहा हूँ। उसके बाद मेडिकल ले गए और चारों ओर बैंडेज करके उसको लगा दिए वहाँ पे मेडिकल में। तो जब सुबह हुआ उसका आँख खुला, देखा कि हाँ पे मुँह का उड़ते हुए स्वर्ग में पहुँच गया क्या।
विचार किया मैं उड़ते हुए स्वर्ग में पहुंच गया, क्या सब सफेद सफेद दिख रहा है, सफेद फर्श है, सफेद सब सफेद है। हाँ तो कुछ समय का देखा कुछ तो फिनाइल इस सब का स्मेल आ रहा है। अरे ये कहाँ से सुगंध आ रहा है फिनाइल का, तो देख थोड़ा करवट लिया तो आ आ आ, आ करने लगा, क्योंकि पूरा तो हड्डी फसली टूट गया था, कोई अवस्था थी नहीं। तब जा कर के विचार के मैं यहाँ उसका तो नर्स थे या अटेंडेंट थे डॉक्टर्स थे, उनको पूछने लगा मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो उड़ रहा था आसमान में उड़ रहा था। अरे दुष्ट तो कहाँ उड़ रहा था, वेवड़े कहीं के मजरा पी करके तू सोचा कि मैं उड़ पा रहा हूँ, वो तो नीचे गिरा तीसरे मंजिले से, भगवान की कृपा है तो बच गया। तो कुछ समय के बाद उसका जो दोस्त था दूसरा वेवड़ा है तो नशा छूट गया था, तो आया तो एक जो जो बेड में पड़ा था हड्डी पसली जिसका टूटा हुआ था, वो दोस्त दूसरे दोस्त को पूछ रहा है कि रे भाई मैं तो उड़ने के लिए बोला, तुम भी तो बोल रहे थे उड़ोगे, तुम्हारा क्या हुआ? तो वो व्यक्ति तुम तो मेरे दोस्त हो, मैं उड़ा तुम क्यों उड़े नहीं? हाँ तो तुमको तुम क्या नशे में थे नहीं क्या, तुमको पता चल गया कि मैं कूद रहा हूँ? तो बोले नहीं नहीं मैं भी उड़ रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ मेरा पायजामा ढीला था, लोग बोल रहे थे मना के तो पायजामा ढीला था, अभी देखा पता नहीं बाह्य आवास आ गया और मैं नंगा हो रहा था, तो इसीलिए अगर उड़ता तो मेरा पायजामा गिर जाता, इसको बचाते बचाते मैं रुक गया और तुम कूद गए, लोग हल्ला मचाने लगे, मुझे बाद में पता चला कि तुम्हारा हाथ पे टूट गया। तो कहने लगा हाँ ये तो सत्य, मदिरा के कारण हम नहीं जान पाए, हमको लगा दोनों को लगा कि उड़ पा रहे, लेकिन तुम्हारा पायजामा ढीला था इसलिए तुम बच गए, मेरा तो पूरा टाइट था, मेरा इधर टाइट हो गया। तो कहने का उद्देश्य यह है जैसे वेवड़े होते हैं या मध्यप होते हैं, बेहोशी में होते हैं, वो सोचते हैं कि मैं उड़ पा रहा हूँ, उड़ूंगा, मैं उड़ रहा हूँ, नशे में कुछ भी बोलते हैं। हाँ तो वैसे ही हम लोग भी अनंत काल से नशे में ही, जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है वो भौतिक क्षेत्र में उड़ने को सोच रहा, मैं अंबानी बन जाऊंगा, मैं टाटा बिरला बन जाऊंगा, मेरी मर्सिडीज कार हो जाएगा, मेरी नोएडा में एक बड़ा फ्लैट हो जाएगा, हाँ मेरी बहुत एक सुंदरी पत्नी मिलेगा, मुझे मेरे पुत्र पुत्री हो जो होंगे बड़े बड़े धनी व्यक्ति बनेंगे, समाज में बहुत समृद्धि प्रतिष्ठा पूजा को प्राप्त करेंगे, या तथाकथित भक्ति में आने के बाद मैं अमुक बड़ा प्रसिद्ध भक्त बन जाऊंगा, मेरी इतने सब कुछ होंगे, मुझे इतने चाहने वाले होंगे, ये सब आसमान में उड़ने जैसा है। जैसे मदिरा मद्यप पान करके जान नहीं पाता और आसमान में उड़ता है विचार करता है, यह समस्त भौतिक विचार जो है हम सभी को भी ऐसे झूठी आसमान में झूठी पंख में उड़ाने वाला एक भ्रम है। तो इसका अर्थ है कि हम जागृत में है नहीं, और जागृत अवस्था भी हमारा पूर्ण रूप से मलिन है, पूर्ण रूप से अपरिपक्व है और पूर्ण तरह अज्ञानता से परिपूर्ण। जो भी आप हर एक दिन, मैं सभी भक्तों का अनुरोध करूंगा अगर आप डायरी मेंटेन करिए, कम से कम उसको एकांत में करिए, अगर व्यक्तिगत रखना चाहते रख सकते हैं, नहीं तो अगर पत्नी के सहित या जो भी अपने संबंध उनके साथ परिचय तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक आप एक महीना का एक डायरी मेंटेन करिए, आज मैं मेरे अंदर कौन कौन सी भौतिक इच्छाएं आया, आज मैं क्या क्या भौतिक कार्य करने के लिए प्रस्तुत हुआ, आज मेरे अंदर कितनी काम विकार उत्पन्न आया, आहार निद्रा भय मैथुन के लिए मेरी मन चित्त कितना उद्वेग ना हुआ, मेरे पुत्र के प्रति पुत्री के प्रति मेरा कितना समय आज गया, पत्नी के प्रति कितना समय गया और भगवान के प्रति कितना समय गया, शास्त्रों के प्रति कितना समय गया, हरिनाम के प्रति कितना समय गया और भगवत चर्चा में कितना समय गया, ना सिर्फ समय अपितु मन, सिर्फ शरीर से नहीं मन से वाणी से ये सभी हो पाया नहीं। तो एक महीना का डायरी मेंटेन करेंगे और एक महीने के अंत में एकांत में देखेंगे तो आप सोच सकते हैं कि हम वास्तविक कहाँ पर, कि हमारा विचार भौतिकता की ओर है, वैसे ही हम वेवड़े के जैसा मद्यपान करने वाले व्यक्तियों के जैसा आसमान में उड़ रहे हैं, या वास्तविक हमको भगवत धाम जाने के लिए हम प्रस्तुत हो रहे हैं, या फिर से जन्म लेने के लिए या जन्म मृत्यु के चक्र में घृणायमान होने के लिए हम विचार कर रहे हैं।
तो कम से कम गुरु महाराज मुझे ही बोले थे डायरी मेंटेन करना चाहिए हर एक साधक भक्तों को, इसके द्वारा एक एक महीने में कुछ कुछ दिन के गैप में अपना विचारों के बारे में देखे, जागृत अवस्था को पहले काउंटिंग करिए, उसके बाद स्वप्न अवस्था को काउंटिंग कर सकते हैं। आज मैं स्वप्न में क्या क्या देखा, वो क्या गलत देखा, आहार मुद्रा भय मैथुन के बारे में देखा या भगवान के बारे में भक्तों को देखा। तो कम से कम जिसका जागृत और स्वप्न दोनों ठीक हो जाएगा तब जाकर उसका सुसुप्ति अवस्था भी ठीक हो जाएगा, और तीनों जब ठीक होगा तब तुरीय अवस्था आएगा यानी कि दिव्य धाम जाने की योग्यता आएगी या शाश्वत शरीर या समाधि शरीर प्राप्त हो जाए। यद्यपि यह सहज लगता है लेकिन इतना सहज है नहीं, क्योंकि जब तक हम भौतिक आसक्ति के बंधन में पड़ेंगे तब तक ही यह संसार के संबंध से छुटकारा पाना इतना सहज नहीं। लेकिन जैसे रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का महाप्रभु बोले, जैसे एक जो उल्टा स्त्री होती है अपने परपति को प्राप्त करने के लिए दूसरे पति को शायद मिलने के लिए संभाषण करने के लिए उसके साथ मिलन होने के लिए व्याकुल रहती है, हमको वैसे ही संसार में रहते हुए हमारे पुत्र पुत्री संबंधी परिजन या तथाकथित जितने भी भौतिक संबंध है उसको एक जैसे पतिव्रता नारी ना होते के छलना करती अपने पति को, वैसे ही हमको उनको छलना करना, उनको कपट करना है बस अर्थ के द्वारा और उनको समृद्धि देना है, लेकिन बस कृष्ण प्रेम के से एक संबंध जो है वैसे संबंध स्थापन करे। बाकी जो भौतिक संबंध के बारे में अगर अग्रसर ज़्यादा से ज़्यादा होंगे निश्चित हम माया के कारागार में बंधे हुए जाएंगे। और ये इतना जो दुर्लभ जीवन मिला है चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, सनातन गोस्वामी की कृपा से, आचार्य गुण की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी तथा हमारे शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु आदियों की कृपा से हमको जो यह दिव्य संबंध प्राप्त हो रहा है उस संबंध से हम छूट जाए। मानो कोई चमकीला कुछ कांच के टुकड़ों को आपको दे दे बोल और दिखता है कि वो हीरा के जैसा है, और अपितु एक हीरा कोई दे वास्तविक जो असली हीरा है, अगर मानो हम असली हीरा को छोड़ते हुए उस कांच के टुकड़े को अपना ले तो हमारा कितना मूर्खता है। वहाँ पे तो हमको बोला नहीं जाता कौन सा कांच का टुकड़ा है और कौन सा हीरा का टुकड़ा है, लेकिन हमको तो यहाँ पे बताया जा रहा है आचार्यों के द्वारा भक्तों के द्वारा, राधा कृष्ण ना भजिया जानिया सुनिया विषखाई, राधा कृष्ण को भजन नहीं किए और जान बूझ करके विष को खाए। यद्यपि यह सहज नहीं है भौतिक विचारों से मुक्त होना, लेकिन धीरे धीरे प्रयास रखना चाहिए, धीरे धीरे ग्रेजुअली हम सभी भक्तों को प्रयास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसे बंधन गृहस्थों के लिए, जैसे मैंने चर्चा किया था वैराग्य होने के बाद भी मठ मंदिर में आसक्त हो जाए, चेले चपाटी में आसक्ति हो जाए, तथाकथित प्रतिष्ठा में आसक्ति हो जाए, वे सन्यासी भी गृहस्थ से भी गिरा हुआ है, वे ब्रह्मचारी वानप्रस्थ भी गृहस्थ से गिरा हुआ है। तो तथाकथित जो भी संबंध है अगर कृष्ण के सहित वो संबंध हमको स्थापन करने में सहायता नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से ग्रहणीय है नहीं, वो त्याग के लिए है। जैसे बलि ने अपने गुरु को त्याग दिया जो कृष्ण के सहित संबंध कराने में बाधा कर रहे हैं, विभीषण ने अपने भ्राता रावण को त्याग दिया कि जो राम जी के सहित संबंध स्थापन करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, भरत ने अपने माता कैकेयी को त्याग दिया जो राम जी के सहित संबंध स्थापन करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया जो नरसिंह के से संबंध स्थापन करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, गोपियों ने अपने तथाकथित पति पुत्र वे आदि समस्त संबंध को त्यागते हुए भगवान कृष्ण का चरणाश्रय को ग्रहण किया। तो इसलिए से संबंध तार कृष्ण संबंध का, कृष्ण संबंध के से जो संबंध है उस संबंध को स्थापन करना ही पूर्ण रूप से अनुकूल है, उचित है। ये तो बार बार हम कह रहे हैं आचार्यों के अनुक्रम में, यह दुर्लभ मनुष्य जीवन फिर से नहीं प्राप्त होगा, तरस जाएंगे, रोते रहेंगे, नरक में प्रपीड़ित होते रहेंगे। इसलिए जैसे गौरवंद महाराज कहते थे कि इन दिस लाइफ यू हैव टू गेट कृष्ण, गेट कृष्ण इन दिस वेरी लाइफ, ठिकाना नाम करके यानी कि निरपराध नाम करके इसका महत्व सेवा करते हुए भगवान के से संबंध को स्थापन करना है। हम जो तथाकथित रूप में इस जड़ ब्रह्मांड को देख रहे हैं, पेड़ पौधा या जो टेक्नोलॉजी का जो
क्षेत्र है, हर एक क्षेत्र में बड़ा इम्प्रूवमेंट कर रहा है। लेकिन हम आपके समय में देख सकते हैं समस्त टेक्नोलॉजी धरा पड़ा है, कुछ काम का है नहीं, सब अस्त व्यस्त हो गए। समस्त वैज्ञानिकों की बुद्धि उपाय शून्य हो गया। लगभग 6-7 महीने से एक महामारी संपूर्ण विश्व को झंझोट करके रखा हुआ है और इसका कोई अब तक भी समाधान नहीं निकला। तो प्रकारांतर में देखा जाए तो ये भगवत इच्छा से ही हो रहा है। तो भगवान इसके माध्यम से हमको एक सतर्कवाणी दे रहे हैं, सावधान करा रहे हैं कि तुम अपने गुणों के लिए, भोग के प्राबल्यता के लिए विविध प्रकार की सामग्री को प्रस्तुत कर रहे हो। 2G, 3G, 4G, 5G कितना भी तुम जी ले लो, लेकिन जो भगवान जी को नहीं पकड़ोगे तो सब जी काम का नहीं आएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए ये समस्त जी कुछ काम का नहीं आएगा जब तक कृष्ण से संबंध स्थापन नहीं होगा। कृष्ण का मधुर वाणी को हम श्रवण नहीं करेंगे, कृष्ण का अधरामृत का स्पर्श हम नहीं पाएंगे, कृष्ण की बांसुरी के दिव्य ध्वनि को हम आस्वादन नहीं करेंगे, कृष्ण का चरण करतल हमारे मस्तक पर स्थापित नहीं होगा, कृष्ण के साथ आलिंगन नहीं करेंगे, कृष्ण का संभाषण नहीं करेंगे। तो ये समस्त बाकी सब चेष्टाएँ व्यर्थ का व्यर्थ रह जाएगा, कोई काम का नहीं आएगा। क्योंकि ये जो जीवन कभी समाप्त हो जाए ऐसा कोई भी नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता कि मैं युवा हूँ, मैं मेरे लिए तो बहुत समय है, या मेरी अवस्था तो प्रौढ़ावस्था नहीं आया है, मेरे लिए बहुत समय है। नहीं, ये समय कभी भी जा सकता है। हम अभी कुछ कह रहे हैं, उसके बाद ही हमारा शरीर छूट सकता है, इसका कोई गारंटी है नहीं। मुझे स्मरण आता है, यद्यपि आचार्यों की लीला बड़ा दिव्य है, लेकिन कौन ऐसा विचार किया था कि परम पूज्य गौरवानंद महाराज कथा कहते कहते शरीर को त्याग देंगे। उनका तो गोलोक विजय यात्रा है, लेकिन फिर भी हम सभी भक्तों के लिए वो परम दुखदायक स्थिति था, तो अवांछनीय और अनुमान से बाहर था। आचार्यगण तो निरासक्त होते हैं, कभी छोड़ते हैं, उनका जियो वा मरो, वो जियेंगे भी जीव का कल्याण करेंगे, या अप्रकट होंगे भी अन्य ब्रह्मांड का कल्याण करेंगे, या गोलोक विजय यात्रा उनकी होती है। लेकिन उनके पदचिन्हों पर अगर हम नहीं चलेंगे, वैसे संबंध के जो देव सनातन गोस्वामी जो संबंध के देव को प्रतिष्ठापित किए हैं, उन सनातन गोस्वामी के चरण चिन्हों पर अगर हम नहीं चलेंगे, हम अपने तथाकथित जड़ बुद्धि के द्वारा परिचालित होते हुए भौतिक कर्मों में हमारा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को बिता देंगे, तो ये जीवन और नहीं मिलेगा। अब नहीं तो कब नहीं, अब अगर नहीं होगा तो कभी होगा नहीं। इसलिए साधु को सावधान होना चाहिए, सतर्क होना चाहिए, और बंद मुहिम सावधान मते, और सेवा भी सावधान के सहित करना चाहिए, निरपराध भाव से करना चाहिए। जो हो गया हो गया, आगे और नहीं करेंगे, अब से पूर्ण रूप से सावधान हो जाएंगे। संबंध करना है तो कृष्ण के साथ संबंध करना है, अगर पत्नी के साथ संबंध है तो कृष्ण दासी के संबंध, वे कृष्ण की दासी है, मैं कृष्ण का दास हूँ, वैसा हमारा संबंध हो। पुत्र जो है वो भी कृष्ण का दास है, पुत्री कृष्ण का दासी है, इस प्रकार का ही संबंध स्थापित हो। बाकी सब समस्त व्यवहारिक दृष्टिकोण से रहे, और उनका शरीर साधन करने के लिए, शरीर व्यवस्था के लिए अपना यथोचित रोजगार करें या अन्य कार्य कर सकते हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य और ध्येय और श्रेय दोनों ही कृष्ण है और कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, और कोई है नहीं। तो निश्चितः मदन के जाने से मदन मोहन का आविर्भाव होगा। मदन मोहन कहाँ पे दूर है नहीं, एक पर्दा का बस हटाएंगे तो मदन, जब मदन का पर्दा हटेगा तो मदन मोहन प्रकट हो जाएंगे। तो उन गुरु के नख छटा से द्वारा, शुद्ध भक्तों के नख छटा के उज्जवल किरणों के द्वारा वो मदन दूरीभूत होगा, और हमारे अंदर प्रेम का कंदर, प्रेम का आनंद सिंधु प्रकट होगा, और मदन मोहन वहाँ पर विराजमान करेंगे, विश्राम लेंगे, वो अत्यंत सुंदर मनोहर लीला करेंगे। यहाँ ही हम उन मदन मोहन के चरणों में संबंध के जो देव हैं तथा संबंध के आचार्य उन सनातन गोस्वामी के चरण कमलों में विनम्र निमंत्रण करते हैं। हम जैसे बद्ध जीवों को वे कृपा करें और हमारे अंदर उस प्रेम को, उद्गीरण को प्रकट कराएँ, और काम का जो उद्गीरण अनंत करोड़ों जन्मों से हो रहा है वो कृपा करके दूर कराए। हम भी प्रयास करते होंगे उनकी भी कृपा को कामना करते हुए आज की कथा को हम विराम करेंगे। आज के चर्चा में मदन मोहन का तथा संबंध का बारे में
समस्त जो 5 दिन के यह चर्चा में यह पूर्ण हुआ। तो कल हम अभिधेय में प्रवेश करेंगे, कल एकादशी है और गोविंद देव की जो अभिधेय राज देव हैं उन अभिधेय तत्व में हम प्रवेश करेंगे, क्योंकि कृष्णदास कविराज गोस्वामी 16 नंबर श्लोक में इसको वर्णना करेंगे। हरे कृष्ण। तो किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरि हरे कृष्ण दंड बोलिए प्रभु। दो क्वेश्चन है। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है कि सनातन गोस्वामी ने वो जो पारसमणि को फेंक दिए थे, अगर वो चाहते तो वो पारसमणि के द्वारा धन गवा के भगवान के मतलब सेवा में ऐसे लगा सकते थे या पीछे के लिए सेवा मतलब पीछे की लगा सकते थे, तो उन्होंने वैसा नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली अपने साधना के लिए देखे और मतलब साधना मतलब कौन सा सबसे अच्छा है कि एकांत की भक्ति या मतलब कर्म करके जो कर्म से जो जो अर्जन करेंगे हम उसको भगवान की सेवा में लगाएंगे, तो कौन सा एक्चुअली अच्छा है वो भी एक्चुअली बोले हैं। बट कुछ भक्तों का ये मानना ही है कि जैसे एक भक्त है वो सोचता है कि चलो मैं 60-70 साल तक मैं नौकरी करूँगा या बिजनेस करूँगा और जो बिजनेस से जो पैसा आएगा वो व्यक्ति के लिए करूँगा, मतलब डोनेट करूँगा, भगवान की सेवा में लगाऊंगा। और दूसरे टाइप के भक्त होते हैं जो तो सोचते हैं कि नहीं अभी जितना मतलब हो सके थोड़ा सा पैसे कमा लो। हाँ, आपका पॉज हो गया। हाँ, हरे कृष्ण। ये दो भक्तों से कौन सा मतलब देखिए, तो सहज बात यह है कि प्रैक्टिकली कलयुग में जैसे आपने कहा 60-70 साल तक मैं रोजगार करूं और उसको सेवा में लगाऊं, हम लगभग 27 साल के माने अपने आध्यात्मिक इस्कॉन के जीवन में इस्कॉन के भक्ति माने इस्कॉन के अंदर से जब हम आए 26-27 साल हो गया, तब से ऐसा व्यक्ति हम अब तक देखे नहीं जो कि गृहस्थ होकर के अपना समस्त धनों को 50 साल के बाद भी भगवान के सेवा में लगा रहा। बहुत ही मुश्किल है, जीव को हमेशा अहंकार रहता है कि मेरा धन है, कितना भी उच्च कोटि के धरातल पर हो, शायद ऐसा कोई एक्सेप्शनल भक्त हो मेरे अवगत में ना हो, बात हो सकता है, ऐसा नहीं कि असंभव है, लेकिन प्रायः तो भक्तों के लिए यह सहज है नहीं। इसलिए हमारा जो वर्णाश्रम की जो पद्धति है उसी के अनुसार ही हमको चलना चाहिए और 50 साल की अवस्था में अपने भौतिक कर्मों से मुक्त होकर के अपने पुत्र पुत्री को व्यवस्थित करते हुए पति और पत्नी दोनों ही वानप्रस्थि को आश्रम को स्वीकारें और यत्किंचित जो धन है उसको अपने शरीर के संभाषण के लिए रखते हुए भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। और प्रचार अगर जो कोई कर पा रहे तो बात अलग है, लेकिन यह इतना प्रामाणिक उदाहरण है नहीं कि 50 साल की अवस्था के बाद भी कर्ममय जीवन को अतिवाहित करे और अर्थ का उपार्जन करे। कोई राजस्य स्थिति में है जैसे जनक महाराज, फिर भी वो लोग भी तो वानप्रस्थ ग्रहण किए, देखा जाता है राजस्वी होते हुए वे वानप्रस्थ ग्रहण के वन को चले गए और जो गए नहीं उनको धिक्कार करके, जैसे धृतराष्ट्र नहीं जा रहे थे, उनके समस्त पुत्रों का मृत्यु के बाद भी वो तो विदुर आकर के गाली गुलज करने लगे, पहले तुम भीम का झूठा खा के करो कितना दिन रहेगा, चल मेरे सहित। तो विदुर ने उनको डांट फटकार दिया, धृतराष्ट्र गांधारी तो निकल पड़े वहाँ से और ऋषिकेश होते हुए वो सोधाम को गमन किए। तो निश्चित रूप से यह हमारे जो शास्त्रों का वचन है उसी के माध्यम से एक व्यक्ति को 50 साल के बाद अपने कर्मों में जीवन से मुक्त होना ही चाहिए, यह ही एक आदर्श है, नहीं तो उसका जीवन कभी भी उस गंतव्य स्थल को प्राप्त नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन कोई एक्सेप्शनल केस है, वो कर्म करते हुए भी अति उच्च कोटि के कृष्ण चेतना में अगर रह पा रहा है, वो कह रहा है कि मैं हूँ, तो वो ग्रहणीय है, हम उसको नहीं कह सकते हैं। लेकिन वेदों का जो शास्त्र का जो निर्देश है वही है कि समस्त कर्मों को त्यागे और भगवान के भजन में लग जाए एक निर्दिष्ट आयु के बाद। ठीक है प्रभु जी, वो मतलब 50 साल के बाद जब हम वानप्रस्थ निकलेंगे तो तभी मतलब वो स्थिति में क्या
रीचिंग रीचिंग का मतलब रीचिंग को चलिए इम्पोर्टेंस को देना चाहिए, प्रचार को देना चाहिए या आचार को देना चाहिए? देखिए आचार के सहित ही प्रचार होता है, आचरणीय प्रचार करने से वो बस कुछ समय के लिए क्षणस्थायी रहता है, वो काम का नहीं रहता है। कितने बड़े बड़े प्रचारक कहाँ चले गए, कहाँ अदृश्य के कोई ठिकाना है नहीं, क्योंकि शुरुआत में क्योंकि आचरण के बिना प्रचार करना तो वो ठीक नहीं है। इसका अर्थ नहीं कि प्रचार ना करें, यत्किंचन जब हम आचरण करें वैसा प्रचार भी करना चाहिए, लेकिन भजन के दो स्तर हैं। वास्तविक देखा जाए तो प्रचार की जो अवस्था है वो युवावस्था में ज़्यादा क्षिप्र वेग से होता है, वानप्रस्थ आश्रम का भजन में ही ज़्यादा जो देखा जाता है रहते हैं लोग, बाकी उसका कोई एंथुसियाज्म है और वो उसमें वो सामर्थ्य है। तो प्रभुपाद जी तो 70 साल में ही प्रचार किए, ऐसा नहीं प्रचार नहीं करना चाहिए, हर एक करना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद आचरण भी किए कई भजन की। भक्ति सिद्धांत सत्यगुरु गोड़े मठ के स्थापन करने से पहले 1,000,000 नाम की दीक्षा ली, तब जाकर के प्रचार शुरू किए। तो प्रभुपाद जी ने भी वृंदावन में रहते हुए राधा दामोदर मंदिर में कठिन साधना किया, तपस्या किया, वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में कई वर्ष गया, वो परिक्रमा करते हर एक प्रकार का साधन भक्ति में वो लगे हुए थे, तब वो लेकर के प्रचार किए। और किसी के अंदर वैसे गुरु कृपा से प्रेरणा है और वो सामर्थ्यवान है तो निश्चित प्रचार तो हर एक समय ही करना चाहिए। प्रचार को यहाँ पर छोड़ने की बात नहीं कहा जा रहा है, लेकिन उसके सहित आचरण को भी बड़ा महत्व देना चाहिए। हमको हमेशा प्रश्न करना चाहिए कि मैं आज प्रचार में जो क्लास में बोला क्या मैं उसको पालन कर रहा हूँ क्या, ये हमेशा प्रश्न करना चाहिए। अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो उसको मैं नहीं बोलूँगा, यही एक व्रत लेना चाहिए। तो मुझे तो मुझे तो लगता है कि अगर मेरी बात बोलूँ तो मुझे प्रीचिंग नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं ऐसा देखिए मैं बोलता हूँ तो कर ही नहीं पाता हूँ। क्या क्या प्रीचिंग कर सकते हैं मैं कह सकता हूँ, आप तिलक करते हैं तो दूसरों को तिलक करने के लिए बोलिए, आप कंठी माला धारण किए हैं तो आप दूसरों को कंठी माला धारण कराने के लिए बोलिए, आप क्या लहसुन आमिस जो जो भी मीट ईटिंग वगैरह नहीं करते हैं तो उसको बोलिए कि आप मत करिए, आप हरिनाम कर रहे हैं सोलह माला दूसरों को बोलिए सोलह माला करें, आप भोग लगा कर प्रसाद पा रहे हैं दूसरों को बोलिए भोग लगा कर प्रसाद पाए, आप शिव विग्रह की सेवा कर रहे हैं दूसरों को बोले शिव विग्रह की सेवा करें, आप भगवान की कथा सुन रहे हैं तो दूसरों को बोले आप भी भगवान की कथा सुनिए, यही तो प्रीचिंग है। गुरु महाराज कहते हैं कम से कम हरे कृष्ण तो बोलना चाहिए ना, तो यही तो प्रीचिंग है। हरे कृष्ण बोलना भी प्रीचिंग है। इसका अर्थ नहीं कि कोई बड़ा व्यासाश्रम में बैठे बड़ा बड़ा पंडाल प्रोग्राम हो, लाखों करोड़ों गीता का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, हजारों मंदिरों का निर्माण हो जाए तो वही प्रीचिंग है, ये मिथ्या है, पूरा अज्ञानता है। हर एक स्तर में प्रीचिंग किया जा सकता है। जो जो हमने उदाहरण दिया साधारण से जो बात है, चार नियमों का पालन करना, सोलह माला का जप करना, गीता भागवत को पढ़ना और सुनना, ये भी इसको बोलना दूसरों को, ये भी तो प्रचार है। कम से कम एक व्रत ले 100 लोगों को मैं बोलूँगा आज कि तुम भागवत पढ़ो, भागवत सुनो, तुम भी तिलक करो, माछ मछली न मत खाओ, इससे पाप होता है। यत्किंच तो इतना उच्च कोटि का भक्ति है नहीं, कम से कम तो हम निम्न स्तर में तो ये दो ही प्रचार कर सकते हैं, तो इसी स्तर में किया जा सकता है। तो फिर जी जो जो जिसने अभी अभी भक्ति चालू की है, जैसे मेरे जैसे चालू भी नहीं हुआ है, चालू करने के लिए कोशिश हो रही है, तो उसमें उस स्टेज में क्या हम शास्त्र चर्चा कर सकते हैं? हाँ निश्चित, शास्त्र या कहाँ कहाँ शास्त्रों के सिद्धांत, जो शास्त्रों के जो सिद्धांत है वो जब हम बोलते हैं जैसे बोलता हूँ शास्त्र लिखा है ऐसे करना चाहिए, मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, वो तो मैं कर नहीं, मतलब करता ही नहीं कभी मैं। हाँ उसी स्थल में हम आचार्य को कोटेशन दे सकते हैं और कथा के अंत में या कथा के बीच बीच में हम कह सकते हैं, शुद्ध भक्त लोग तो दैन्यता के कारण कहते हैं मेरी योग्यता है नहीं, लेकिन हमको तो अपना स्थिति पता है, अगर किसी व्यक्ति को पता है तो कह सकते हैं मेरी, मैं जो ये चर्चा कर रहा हूँ ये मेरी योग्यता है नहीं, मेरे आचार्यगण या हमारे गुरुवर्ग इसको किए हैं, मैं भी चेष्टा कर रहा हूँ, बस आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे भी कृपा करें जिसके द्वारा ये सब जब चर्चा हुआ मेरे अंदर भी प्रवेश करे, बस मैं बोलता जाऊं लेकिन मैं आचरण ना करूं ऐसा ना हो। तो मैं तो ज्ञान मार्ग में आपको बोल दिया, पढ़ के पढ़ा और सुना दिया, लेकिन आप कृपा करें समस्त वैष्णव की मैं भी उसको आचरण कर पाऊं, ऐसा कोटेशन देंगे तो उसमें अपराध नहीं होता है। तो बोलेंगे कि मेरे आचार्यगण उसको किए हैं,
मैं इसको नहीं कह रहा हूँ, हर एक समय में अपना परिचय को दूसरों को प्रदान करना चाहिए कि मैं अत्यंत निम्न स्तर में हूँ, तो आप लोग कृपा करिए जिसके द्वारा ना सिर्फ दिखावटी बोले अपितु तो हृदय से वो उद्गार निकले कि मैं ये आचरण कर नहीं कर रहा हूँ और आप वैष्णव लोग कृपा करिए इसके द्वारा मेरे अंदर वो आचरण आए। साधारण क्या होता है, दिखावटी के लिए बहुत लोग बोल देते हैं कि मैं तो बहुत नीच हूँ, दैन्य हूँ, लेकिन हृदय में अहंकार रहता है। क्योंकि अगर हमको कोई बोल दे कि तू बहुत दुष्ट है, लेकिन निमाचरण तू बहुत दुष्ट है, तो अगर हमको क्रोध आ रहा है इसका अर्थ है कि मैं बस दिखावटी दैन्य दिखा रहा हूँ। मैंने ऐसे उदाहरण के लिए बोला, आप दुष्ट है नहीं, आप वैष्णव है। लेकिन कहने का उद्देश्य यह है, हमको कोई निंदा कर रहा है, हमको गाली गुलज कर रहा है, इसके द्वारा हमको क्रोध आ रहा है या दुख लग रहा है या ईर्ष्या आ रहा है, तो हम अपने आप को देख सकते हैं कि क्या है हमारा स्थिति क्या है। तो इसलिए जैसे एक दिन माधव पूछा था कि क्या स्थिति है शुद्ध भक्ति का, आप याद रखे होंगे गोस्वामी तुलसीदास का वाक्य, जब श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न जई हो, रोकी हो नयन विलोकत और ही, शीस ईस की नहीं हो, जान की जीवन की वली जई हो। जब श्रवण और कोई कथा सुन के आकर्षित नहीं होगा, सिर्फ केवल भगवान के बारे में विचार करेगा, विमर्श करेगा, आँख भी भगवान को देखेगा, हृदय का हर एक कण कण भगवान के प्रेम में नृत्य करने लगेगा, और अपनी निंदा सुनेंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी, लेकिन गुरु कृष्ण की निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए या सामूहिक वैष्णव की निंदा नहीं सुनना चाहिए, तो ये निश्चित रूप से देखना चाहिए। बाकी प्रचार सार है, यत्किंचित हम आचरण कर रहे हैं, जैसे जैसे कुछ कुछ पॉइंट जो लो प्रोफाइल के पॉइंट हैं उसको हम कह सकते हैं, या अगर उच्च सिद्धांत की बात हो तो अपने गुरु वर्गों का आचार्यों का नाम देते हुए बोले और हर एक समय में अपनी अयोग्यता को प्रस्तुत करें। ठीक है, और एक मेरा सेकंड क्वेश्चन है, कि आपने जैसे बोले कि सब लोगों को डायरी मेंटेन करना चाहिए, दिन में एक्शन नोट करना चाहिए। हाँ, गुरु महाराज मुझे बोले थे, गोरवंद महाराज भी बोले थे मुझे, बाकी इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आप सबको बोल सकता हूँ, अपना अधिकार के सूत्र में प्रेम में बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि 24 घंटे से मे भी मतलब कुछ ही पल एक्चुअली भगवान के साथ मतलब होता हूँ मैं, और बाकी सब समय तो आहार निद्रा भय मचन में जाता है, और अभी तो उम्र भी हो गया है, तो और अभी जैसे ब्रह्मा ने भागवत में बोलते हैं कि सात पत्नी के साथ हम जीते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एंड मन, अभी तक सुधरा नहीं सात पत्नी, तो बालप्रस्थ भी ले लूंगा कुछ साल के बाद, तभी ऐसे सात पत्नी मेरे साथ रहेंगे, वो भी दोष रहे हो, तो इसीलिए अगर ये वास्तविक रूप से हो रहा है तो हम चेकआउट हो जाएंगे और नहीं करेंगे तो या पनिशमेंट देंगे अपने आप को। कैसे भी हो, डायरी मेंटेन करने का उद्देश्य यह है कि अपने स्थिति को मैं सुधारूं, जिसके द्वारा मैं अपने आप को जान सकता हूँ, क्योंकि समय बीतता चल रहा है, हम सोच रहे भक्ति करते जा रहे हैं, लेकिन अगर ऐसे कम से कम एकांत में भी हो, प्राइवेटली हो, उसको मेंटेन करेंगे और उसको देखेंगे तो वो जान सकते हैं। समय हो गया क्या? समय बीत गया, जैसा आपने बोला समय बीतता जा रहा है। हाँ, मैंने सबका समय ले लिया, नहीं नहीं ठीक है, सभी से सभी भक्तों से निवेदन है, इसकी मुताबिक हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आप बहुत मस्त में जुलूस दिखा, आप अच्छी है ना, आप बहुत अच्छी है। श्रील प्रभुपाद की जय।